तो जी आज हम आए हैं फरीदाबाद में NIT 5 में बाके बिहारी मंदिर के पास में अंकल जी की वैन, जिसमें बहुत ही बढ़िया पंजाबी खाना मिलता है। खाना मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने रिसेंटली एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। बहुत मज़ेदार ब्लॉग्स बनाते हैं हम उसमें। तो जी आते हैं अंकल जी की वैन की तरफ। तो जी मैं आपको लोकेशन अगर समझा दूं, ये मेरे पीछे है बांके बिहारी मंदिर और ये NIT 5 है। NIT 5 में बांके बिहारी मंदिर के ठीक सामने अंकल जी वैन लगाते हैं प्यारी सी। तो सीधा अंकल से ही बात करते हैं और सारी बातें पूछेंगे, क्या हिसाब किताब है, कितने का है और क्या क्या है। बने रहना वीडियो में, लेट्स गो। कब से लगा रहे हैं? मैं यहाँ 1 जून को यहाँ आ गया था, बांके बिहारी मंदिर के सामने, बांके बिहारी जी की गोद में। हाँ जी, मैं 1 जून को यहाँ आ गया, बांके बिहारी जी की गोद में 1 जून से यहाँ पे पंजाबी खाना मिल रहा है। तो टाइमिंग क्या रहते हैं आपके? मैं यहाँ 10:30 बजे आ जाता हूँ मॉर्निंग। 10:30 और कब तक? जब तक खाना चले। हाँ जी, हाँ जी, 3:30 बजे 3 बजे क्लोज हो जाता, खत्म हो जाता। से इनकी दुकान खुली है ना जी, मेरा लंच इनके यहाँ ही होता है और सारा खाना जितना भी है घर जैसा है। और ख़ास कर इनकी कड़ी की क्या तारीफ करूँ, अगर बच जाती है तो मैं शाम के लिए अपने घर ले जाता हूँ, वो परचेज करके इनसे। क्या बात है, पूरी कड़ी। हाँ नहीं, जितनी बच जाए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ अवेलेबल हैं आपके पास। तो जी क्या है ये? मेरे पास है जी राजमा। क्या बात है भाई, राजमा की रंगत देखो आप, जबरदस्त खुशबू इतनी, जैसी अंकल ने ढक्कन हटाया बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है जी। क्या राज है इनका? बस ये प्यार से बनाए हुए हैं और अच्छे क्वालिटी के मसालों का और सरसों का तेल का यूज किया हुआ है। क्या बात है, सरसों का तेल? हाँ जी, रिफाइंड वगैरह नहीं डाला? नहीं नहीं नहीं, रिफाइंड। बहुत बढ़िया। और जी दूसरी चीज क्या है अपने पास? हमारे छोले वाइट। हाय हाय हाय, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब घर का ही खाना हो एकदम, और तैयार किए हुआ गर्मा गर्म। भाई सर्दी में तो मजा आ जाने वाला है इस खाने को देख के। और क्या है? और है दाल मखनी। क्या बात है भाई, दाल भी बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है और एकदम जैसी देसी टाइप की दाल होती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें दूध और बटर। इसमें दूध और बटर? अच्छा, पानी वगैरह का इस्तेमाल कम? नहीं 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 नहीं, क्या पानी बात? तो बिल्कुल ही नहीं। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, दूध और बटर का इसमें काम हुआ है। 3 सब्जियां हैं और भी कुछ लाते हैं आप? जिस दिन दाल मखनी बनाते हैं उस दिन हम रात को सोते नहीं है, रात को ही चढ़ाते हो? हम इसे रात को 4 बजे सुबह 4 बजे चढ़ा देते हैं। क्या बात है, 3:30 बजे उठते हैं जिस दिन दाल मखनी बनानी है। हाँ जी, उस दिन इसे धीमी आंच पे हम 4 बजे रख देते हैं। और आप एक सब्जी और है हमारे पास, ये आ गई चौथी सब्जी, ये है जी मिक्स वेज। अरे भाई एकदम घर जैसी सब्जियां हैं। हाँ जी, इनके साथ हमें चपाती भी है और राजमा चावल, ये हमारे राइस है। एक कुकर भरा हुआ है चावलों से, बहुत बढ़िया, गर्मा गर्म, ये भी गर्म है। हाँ जी, सोयाबीन राइस। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो जी लगाइए हमारे लिए एक प्लेट। ये प्लेट कितने कितने की है आपके पास? मैं एक ही साइज रखता हूँ। हाँ जी, 40 रुपीज 40 का एक साइज। हाँ सही बात है, ज्यादा झंझट ही नहीं है। तो भाई गर्मा गर्म चावल आप देख लो पहले, इसमें सोयाबीन भी है। जी हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है भाई, पंजाबियों की पसंद है बिल्कुल जी। ओए होए होए होए, आप धुआं देखो और राजमा भाई, मतलब मजा सा ही आ रहा है देख के, मन कर रहा है बस लग जाओ खाने। पंजाबी राजमा है, प्योर ही है? जी हाँ, जबरदस्त। क्या बात है, प्याज, थोड़े से ऑनियन, हरी चटनी भी रखते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, चटनी बहुत जबरदस्त लग रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या डालते हो इस चटनी में? चटनी में सब कुछ है जी, इसमें हरा धनिया है, पुदीना है। ये क्या चीज है ये? अरे वाह, ये तो आपने नई चीज दिखाई कोई। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारी राजमा चावल की प्लेट। ये है क्या वैसे, बताओ तो सही। ये है जी पापड़, लेकिन लोग इसे बेसन की पापड़ी के नाम से। अच्छा, जानते हैं यहाँ पे बेसन की पापड़ी। बेसन भाई की ये पापड़ी। थोड़ी अनकॉमन चीज है,
जो हर कोई 99% मेरे ख्याल नहीं डाल के देते। ये कई कस्टमर हैं जो मुझे खुद यहाँ सिखा के गए हैं। बहुत बढ़िया, ये वजह से मैंने ये स्टार्ट किया। तो जी ये लग रही है थाली, रोटी वाली थाली है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है भाई, दाल बहुत जबरदस्त लगी मुझे। और दाल वैसे चावल से ज्यादा रोटी के साथ ही अच्छी लगती है, क्यों अंकल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साथ में ये प्याज, आपकी चटनी बहुत बढ़िया है, मतलब देख के ही रंग बहुत खूबसूरत है। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई भी दो सब्जियां, चार सब्जियां अवेलेबल है, उसमें से कोई भी दो आप ले सकते हैं। और ये घर की तवे वाली रोटियां, बहुत बढ़िया। इसकी क्या कॉस्ट है? 50 rupees। 50? हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम पंकज है, मैं सामने ही वाले ऑफिस में जॉब करता हूँ। अंकल जी यहाँ रेडी लगाते हैं और मैं यहाँ डेली आता हूँ खाना खाने। और ये आलू छोले के हैं, ये काफ़ी टेस्टी है, उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया है। मेरा नाम कामरान है, मैंने अभी थाली खाई है, इसकी कॉस्ट 50 rupees है और इनका टेस्ट सबसे अच्छा लगा है मुझे। तो जी हमारी तीनों प्लेटें लग चुकी हैं 40-40-40 रुपये में। और कुछ यूनिक चीज़ क्या है, वो यहाँ है बेसन की पपड़ी जो अंकल देते हैं साथ में, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखो, एक जने के लिए क्वांटिटी बहुत इनफ है, भर के दिया है, आराम से 40 रुपये में लंच हो जाएगा। ये हमारे छोले चावल, भाई दाल बहुत ज़बरदस्त लग रही है, ऐसी दाल के साथ रोटी हो तो क्या कहने। रोटी भी रखते हैं ना? हाँ जी। तो रोटी और दाल भी आप ले सकते हैं, खाली रोटी दाल मिल जाती है? हाँ जी, हाँ जी। वो क्या प्राइस है? हमारी दाल रोटी 40 rupees। चार रोटी दाल 40 rupees में, वाह भाई वाह। और ये जो भाई दिल्ली की जान राजमा चावल, बहुत ही गजब लग रहे हैं। प्याज चटनी वगैरह सारा मामला इसमें डला हुआ है। बहुत बढ़िया, दाल जो है दूध में बनाई हुई है और बटर डाल के, भाई बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है दाल का। और पता चल रही है कि भाई बहुत अच्छे से कड़ी हुई दाल है, और जैसा कि बताया अंकल ने, स्लो कुक्ड दाल है। बहुत बढ़िया, हमारे राजमा चावल की, अब जैसा कि दिल्ली की जान है भाई राजमा चावल, तो एक बढ़िया वाली बाइट लेंगे। ये देखो धुआं निकलता हुआ, इसको जूम करो एक बार, मस्त लग रही है ना। और ये जाएगी अब मेरे मुंह में, भाई जो राजमा चावल है ना अलग ही टेस्ट है। और जो अंकल ने ऊपर से हरी चटनी डाली है वो बहुत बढ़िया फ्लेवर दे रही है धनिया पुदीने का। मेन चीज है जो इनके गुड़, ये गुड़ भी देते हैं साथ में, भाई पूरा मामला घर जैसा है। पहले आप खाना खाइए, फिर गुड़ लिए और अपना खाना पचाइए, मज़ा आ गया। NIT एरिया में, NIT 5 में अगर आप कहीं भी घर जैसा खाना ढूंढ रहे हैं तो बांके बिहारी मंदिर जो है हमारे ठीक सामने है। और इधर है निरंकार, उसी के सामने अंकल की ये वैन लगती है। इसी के साथ हमारे ब्लॉग चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मस्त ब्लॉग्स बनाते हैं और ये भी हम एंजॉय करते हैं। आप भी आइए, एंजॉय करिए और अंकल को सपोर्ट करिए। इसी के साथ शुक्रिया।